हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस साल की मच अवेटेड शादियों में शुमार है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी, जो कि 12 जुलाई को होगी। लेकिन इनके प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए पूरा बॉलीवुड जामनगर पहुंच चुका है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि जब तक 1 से लेकर 3 मार्च तक प्री वेडिंग सेरेमनी चलेगी, तब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री रहेगी बंद। जी हाँ, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 1 से लेकर 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में धूमधाम से होने वाला है। और इस खास समारोह में 4 चांद लगाने के लिए पहुँचे हैं फिल्मी सितारे भी। सिर्फ बी टाउन से ही नहीं, विदेश के मेहमान भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। जरा देखिए, जैसे ही रानी मुखर्जी जामनगर पहुंची तो पेपराजी ने उन्हें घेर लिया। सिर्फ रानी ही नहीं, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे थे जो यहाँ पे मौजूद हुए। सब एक एक करके जामनगर में जम रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी बड़े अवार्ड फंक्शन की तैयारी चल रही हो। आपको बता दें, देश दुनिया के सितारों का जमावड़ा जामनगर में देखा जा रहा है। ऐसा जमावड़ा जो या तो किसी अवार्ड में देखा जाता है या फिर अंबानी परिवार की शादियों में। बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जामनगर प्री वेडिंग में शामिल होने पहुंचे, जिसमें सुपरस्टार रणबीर कपूर अपनी फैमिली के साथ इस सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे हैं। तो वहीं मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने यहां पहुंचकर पेपराजी को पोज दिए थे। इसके साथ ही बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे अपने परिवार के साथ इस फंक्शन में शामिल होने पहुंचे हैं। बोनी कपूर ने भी जामनगर पहुंचकर कैमरामैन के सामने खूब सारे पोज़ दिए। ग्रे कलर के कपड़े और ग्रे कलर की कैप में बोनी कपूर का स्वैग भी देखा आपने, तारीफ के काबिल है। तो वहीं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी यहां पहुंचे और पेपराजी के सामने जमकर पोजेस दिए। इनके बीच सलमान खान ने भी ग्रैंड एंट्री ली। आपको बता दें, जामनगर में बॉलीवुड समेत दुनिया भर के कई बड़े सितारे रौनक बढ़ाएंगे। अनंत राधिका की प्री वेडिंग में सलमान खान, जानवी कपूर, मानुषी छिल्लर, अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े सितारे शामिल हुए। वहीं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अमृता फडणवीस भी पहुंचे अनंत राधिका के प्री वेडिंग बैश में। भाई, ये सब देखकर तो लग रहा है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड यहां उठकर आ गया है। जामनगर को अगर मिनी मुंबई कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। क्यों, आपको क्या लगता है? बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।